चलो फिर से हम आते हैं, है ना। कक्षा 10 क्लास 10 फिर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपका जो अध्याय के बीच में रहता है आपका, जो पेज नंबर 224 का 3 क्वेश्चन है वो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखें जो चालक के सिरों पे विभांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो देखो, चालक के विभांतरों में, है ना, तो यानी चालक में जो विद्युत को प्रवाह करने में मदद करता है। तो कोई भी चीज़ प्रवाह या एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, जब एक तरफ कम या एक तरफ ज़्यादा हो तब हम उसको कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे विभांतर, दोनों के बीच का विभव में अंतर लाने में कौन मदद करता है, जिसको हम कहते हैं सेल या बैटरी। जो जैसे देखते हैं देखोगे बहुत सारे विद्युत परिपथ में, तुम ये बना हुआ माइनस और ये प्लस, ये हो गया आपका सेल। और इसी में अगर हम दो तीन बना दें तो सेल के संयोजन को हम क्या कह सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ये माइनस है और ये प्लस है। ये माइनस और प्लस का क्या अंतर है, माइनस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, और प्लस मतलब प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है। तो हम लोग बोर्स के परमाणु, है ना, परमाणु मॉडल के अर्थात से ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहरी कक्षा में होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ प्रवाह कर सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं कर सकता है। तो प्रोटॉन आपका ही रहता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही, इलेक्ट्रॉन के रूप में ही क्या होता है, आवेश प्रवाह करता है, कहाँ, माइनस से प्लस में। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं ये अंतर हो गया, विभव में अंतर, ये माइनस और ये प्लस, तो अंतर बना, तभी आपका क्या होगा, कोई भी विभव या कोई भी विद्युत धारा जो है एक से दूसरे का जा सकता है। वैसे ही है, एक बाल्टी में कम पानी एक बाल्टी में कहाँ ज़्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कम में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कहने का ये मतलब नहीं कि कम है, ये प्लस कहने का मतलब ये नहीं है ज़्यादा है, माइनस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, प्लस का मतलब प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से उधर, यानी माइनस से प्लस। तो कौन कौन हो गया युक्ति जो विभांतर करने में मदद करता है, सेल या बैटरी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभांतर एक वोल्ट है। तो यानी दो बिंदुओं के बीच विभांतर एक वोल्ट है, मतलब वही हो गया आपका फिर से क्या मतलब है, एक वोल्ट, यानी एक वोल्ट का क्या मतलब, यही पूछा जाता है, सिंपली यही पूछा जा रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच एक वोल्ट है, तो एक वोल्ट का क्या मतलब है, तो एक वोल्ट का क्या मतलब है आपका। तो फिर से एक ऐसा आप सूत्र बताइए जिसमें वोल्ट और इनके बीच में क्या संबंध हो, कुछ युक्तियों के। वोल्ट का सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पे वन, यानी वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। तो वी का एसआई मात्र क्या होता है, वन वोल्ट, इसका क्या होता है, वन जूल, इसका क्या होता है आपका, होता है कूलम। तो कूलम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर कूलम। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, वन वोल्ट बराबर क्या हो गया, एक जूल पर कूलम। तो यानी एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित करने में जो लगा, एक जूल का कार्य लगा, उसी को हम एक वोल्ट कहते हैं, बस हो गया। जैसे कि आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि एक एम्पियर का क्या मतलब है, तो वैसे ही यहाँ पे एक वोल्ट का क्या मतलब है कि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित करने में जो एक जूल का कार्य लगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक वोल्ट कहते हैं। सिंपल है, बहुत ही हल्का तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यही लिखा गया, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में लगा, है ना, एक जूल का कार्य, यही मतलब क्या हो गया आपका, एक वोल्ट का। इसी को हम कह सकते हैं क्या है आपका, एक वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है, यानी 6 कूलम वोल्ट, क्या क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट, तो यानी वी बराबर से गुजरने वाले हर एक कूलम, तो यानी क्यू बराबर, अब बोल रहा है कितनी,
ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अब देखो यानी हम लोग को निकालना क्या है, कार्य W, W का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। तो देखो यहाँ पे हर बार कहते हैं न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्वेश्चन में पहले जो दिया है उसको लिखो और उसके अनुसार जो सूत्र वहाँ पे जो फॉर्मूला है जो फिट बैठता है सूत्र के हिसाब से, वो फिजिकल जो आपका भौतिक राशियाँ उनके अनुसार जो सूत्र बैठता है उस सूत्र पे लगा के देखो। डरना नहीं, कोशिश करना है तभी बनेगा। देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये सूत्र ऊपर ही हमने लिखा था अभी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू बटा आपका डब्ल्यू बटा क्या हो गया, वी गुना क्यू। तो वी इज इक्वल टू छः है ए, तो ये क्या हो गया आपका छः जूल। इसी के साथ आपका क्या आ गया आंसर, आ गया क्या आ गया छः जूल। यहाँ पे गुना करके हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं आपका, तो डब्ल्यू बटा आ गया छः। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आंसर आ गया। अब इस वीडियो में तुमको एक चीज़ और बता देते हैं कि बहुत लोगों को ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, बोलते हैं कि हम वोल्ट है ना, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि हम वोल्ट लिख सकते हैं, जैसे हम विभांतर लिखते हैं, विद्युत विभव विभांतर वोल्ट में क्या संबंध है। तो देखो पहले हम आते हैं विद्युत विभव पे। विद्युत विभव का मतलब ये होता है किसी भी कूलम या कोई चार्ज को अगर हम अनंत से लेके किसी बिंदु पे लाते हैं है ना, किसी एक बिंदु पे लाते हैं, उसको तो विद्युत विभव कहते हैं। यानी कहीं दूसरे जगह से हम लेके यहाँ ला रहे हैं, जैसे मान लो थर्मल से हम यहाँ ला रहे हैं है ना, जहाँ विद्युत उत्पन्न हो रहा है। दूसरा चीज़ विद्युत विभांतर, जैसे विद्युत परिपथ है तुम्हारे रूम का, घर का, तो एक में पंखा है, बल्ब है, स्विच है, सब कुछ है। तो पंखा बल्ब या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो अंतर है विभव, इन दोनों के बीच के विभव का जो अंतर है उसी को हम विभांतर कह देते हैं। अब वोल्ट, वोल्ट एक ऐसा ही मात्रक है किसका, विद्युत विभव का और विभांतर का, ठीक है। तो इसको हम वोल्ट भी कह देते हैं, बट अब आगे चल के हम वोल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे तो हम कर देते हैं हाउ मच वोल्ट, मतलब विद्युत विभव या विभांतर हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में समझना पड़ेगा क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलो इसी तरीके से कहता हूँ आगे देखते हैं।